भिकनगांव नगर के वार्ड क्रमांक 15 में स्थित मेन रोड पर नगर परिषद की लापरवाही के कारण आमजन परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही नगर परिषद के अनदेखी के चक्कर में पिछले कुछ दिनों से गड्ढे में वाहन चालक सहित छोटे बच्चे गिर रहे हैं। निर्माण कार्य की बात करें तो मात्र 6 माह भी नहीं हुए उक्त कार्य को और क्रॉसिंग की फर्शी और कॉन्क्रीट उखड़ने लगी है। इंजीनियर वसीम खोकर ने बताया कि लगभग 6 माह पूर्व नाली और क्रॉसिंग का निर्माण कराया गया था, जिसकी लागत लगभग 3,64,000 रुपये है। पार्षद पिता सतीश सिंगर ने बताया कि बगैर परमिशन के क्रॉसिंग का कार्य किया गया, साथ ही ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी ढंग से घटिया कार्य किया गया है। सीएमओ साहब से बार बार घटिया कार्य करने की शिकायत की थी, परंतु अभी तक उक्त शिकायत का निराकरण नहीं किया गया। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।